गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं, वो मैंने जो बताया था आपको ना कि मिर्ज़ापुर वाला जो शूटिंग हुई थी, जो सीज़न टू थी, जो जहाँ पे शूटिंग हुई थी, वो जो मंदिर है ना उसको पेंट कराना है। तो जो पीयूष भैया है वो उसको पेंट करवा रहे हैं पूरा का पूरा। तो अभी ऐसे ही मैं मतलब जा रहा हूँ, आप लोग को वो दिखाऊँगा कि वहाँ के अगल बगल चीज़ मतलब दिखाऊँगा, वहाँ के जो वहाँ से जब ऊपर जाते हैं ना वो सबसे ऊपर है इधर के पहाड़ में, वो लगभग काफ़ी ऊपर है। तो हम लोग दिखाएंगे कि वहाँ से ना मतलब सीन जो है ना अगल बगल का बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ऊंचाई पे है तो बहुत सही लगता है। तो आइए हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए वो रहा मंदिर, ठीक है, और ये देखिए वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ से हम लोग चल दिए हैं पैदल, आगे कुछ लोग जा रहे हैं, 5-6 लोग हम ही लोग के मतलब लोग हैं, वो लोग जा रहे हैं। और ऊपर वो देखिए वही है, वहीं पर हम लोग चल रहे हैं वो मंदिर पर, आगे से वहाँ से रास्ता देखिए मैं चल रहा हूँ। और ये सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और हम लोग काफ़ी हम लोग सब के सब उठ चुके हैं और हम लोग निकल भी गए। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट, ये यादव जी भी आ गए और पिंटू भी आ गए। एक बात लेकिन चढ़ने में मज़ा आया, हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं। ये देखिए पीछे रहा मंदिर और एकदम थक गए सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते। अरे बाप, हाँ देख रहे हैं पूरा यहाँ से, अभी तो थोड़ा थोड़ा कोहरा है, नहीं तो पीछे का पूरा जो बांध है बंदा जो डैम है उसका पानी एकदम समुद्र की तरह लगता है। देखिए यही मंदिर है जहाँ पे मिर्ज़ापुर की शूटिंग हुई थी, ये सब पूरा आप देख सकते हैं। ये देखिए पीछे, और इसी मंदिर को पेंट कराना है। तो भैया लोग आ गए हैं, ये लोग अपने में बातचीत कर रहे हैं पेंट कराने के लिए, और पेंट तो होगा ही। अभी तो सीन ऐसा है कि कुछ अभी बहुत हमको लग रहा है ये पेंट कराए हुए 4-5 साल हो चुके हैं, उसके बाद से एक बार भी पेंट नहीं हुआ है। तो पीयूष भाई का बर्थडे है 12 तारीख को, 12 फरवरी को, तो इन्होंने कहा कि मेरे बर्थडे से पहले मंदिर एकदम फिनिश हो जाने चाहिए, एकदम बवाल पेंट होने चाहिए। तो हम बोले बस भैया पेंट हो जाएगा। तो हम लोग सुबह पेंटर को बुला लिए और पेंट करने की बातचीत स्टार्ट हो गई है और ये 2 दिन में पेंट हो जाएगा। जय माता दी। ये मंदिर का सीन, मंदिर एक नंबर है। यहाँ पे देखने में तो लगता है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, बट जब हम लोग वहाँ रहते हैं ना, ये देखिए हम लोग वहीं पे रहते हैं, वहाँ हम लोग के कुछ दोस्त भी आए हैं साथी। क्या कर लो, और जो बैठने वाला ये सब है ना, ये सब कुछ पेंट होगा हर एक चीज। तो मैं दिखाऊंगा एक बार जब पेंट हो जाएगा ना, तो मैं आप क्लियरली दिखा दूंगा कैसा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, सब लोग निकल गए हैं, हम भी निकल रहे हैं, हम तो पीछे हैं अभी। और यही सब जगह है जहाँ शूटिंग हुई थी, आपको देख के खुद समझ में आ जा रहा होगा। जो कॉर्नर है पीछे ये पेड़ के नीचे,
कुछ वहाँ थी कुछ यहाँ थे, सबसे ज़्यादा लेकिन सीन यहीं पे थे, आपको पता होगा। और यहाँ से ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ पे ही एक मंदिर, ये जो स्टेयर्स है ना जो ये पत्थर के बने हुए हैं, यहाँ से उतरने में तो काफ़ी मज़ा है, लेकिन चढ़ते समय तो आपने देखा होगा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब इतने बड़े बड़े स्टेयर्स है ना कि चढ़ने में पूरा का पूरा एकदम थकान मतलब आ जाता है, मतलब एकदम थक जाता है आदमी, चाहे वो कोई भी हो। तो हम लोग देखिए उतर गए, उतरने में तो भैया हर एक जगह मज़ा है। मैं वैष्णो देवी गया था ना एक बार, आज 4-5 साल हो गया जब मैं वैष्णो देवी गया था, तो वहाँ पे जब चढ़ना था ना, तो चढ़ने में तो बहुत हालत ख़राब हुई थी, सबको पता होगा, जम्मू वाली वैष्णो देवी, ठीक है। और जब उतरने का टाइम आया तो एक नंबर मज़ा आ रहा था उतरने में। यादव जी देखिए थक गए। ये जरगो डैम है, 7 नदी 27 नाला, जिसमें जिसका पानी जरगो जाला, जरगो जाला। तो ये देखिए पीछे से हम लोग उतर चुके हैं पहाड़ पे से, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, जाएंगे अभी, थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। तो हम लोग भाई पहुंच गए अपने अपने रूम पे, ठीक है। फिलहाल तो मैं अभी इसमें रह रहा हूँ क्योंकि ठंडी के टाइम है, कहीं भी रह लेते हैं लोग, बस एक ब्लैंकेट होना चाहिए, एक पिलो होना चाहिए। तो अभी तो गेट लॉक है, और ये देखो ये दूसरा रूम है जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो ये रूम काफ़ी क्लीन है, मतलब एक तरीके से अच्छा रूम है। तो अभी तो यहाँ पे रह नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आए हुए हैं, तो डिस्टर्बेंस हो रहा था हम लोगों को, तो हम लोग अपना इस वाले रूम में शिफ्ट हो गए। इसमें अपना मतलब जो भी सामान वामान था सब कुछ रख लिया हम लोग, गाना वाना बजाने वाला, लोगों को डिस्टर्बेंस होता है ना आजकल, समझ रहे हो, चिढ़ हो जाती है लोग। ये देखिए तो गाइस रूम पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके, अच्छा लगा होगा। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।